जय श्री कृष्णा। मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि टैरो डेक क्या होता है। टैरो कार्ड्स के लिए सबसे पहले तो हमें टैरो डेक लेना होता है। टैरो डेक लेने के बाद इसे हम वुडन किसी भी बॉक्स में रखेंगे। दूसरा, जब हम टैरो कार्ड्स लेते हैं, इसमें 78 टैरो कार्ड्स होते हैं, जिसमें 22 कार्ड्स मेजर अरकाना के होते हैं और 56 कार्ड्स माइनर अरकाना के होते हैं। माइनर अरकाना तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, आज मैं आपको मेजर अरकाना की फर्स्ट कार्ड द फूल के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो हम जो भी टैरो कार्ड्स लेते हैं, हमें वो टैरो डेक लेना चाहिए जिसको देख के हमें अच्छा फील हो, हमें अट्रैक्शन हो और हमें उस कार्ड को देख के, उसकी ड्राइंग्स को देख के, पेंटिंग्स को देख के हमें प्रॉपरली समझ आए कि ये पिक्चर्स हमारे से क्या कहना चाह रही हैं। तभी हम उस टैरो डेक से बढ़िया प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है ये द फूल कार्ड। द फूल कार्ड, जो भी अगर हम कोई कार्ड लेते हैं, सबसे पहले तो हमें उसके कलर्स को देखना चाहिए कि उसके कलर्स अगर तो ब्राइट हैं तो वो पॉजिटिविटी वाला कार्ड होगा। अगर उसके कलर्स डार्क हैं तो उस कार्ड में नेगेटिविटी होगी। फिर सबसे पहले हम देखेंगे कि उस कार्ड के ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ है, उसकी भी अलग एक वैल्यू होती है नंबर की। तो चलिए, इस कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है 0। 0 मीन्स नई शुरुआत। और देखिए आप कि सनराइज हो रहा है। सनराइज अगर होता है तो उसमें भी एक नई शुरुआत कही जाती है। और ये देखिए, एक यंग पर्सन है, बड़ी मस्ती से अपने ही धुन में चला जा रहा है। वो ये देख ही नहीं रहा कि अगर वो जरा सा भी आगे चला तो वो एक खाई में गिर सकता है, क्योंकि वो इस टाइम अपनी मस्ती में ही गुम है। तो उसका ध्यान ही नहीं जा रहा नीचे की तरफ। जबकि आप एक चीज़ नोट करिए कि एक डॉग है, डॉग को हम सबसे फेथफुल एनिमल कहते हैं। डॉग उसको बाक कर करके, भौंक के बताई जा रहा है, बोली जा रहा है कि रुक जाओ, आगे खाई है। पर ये इंसान अपनी ही धुन में मस्त ऊपर देखकर चली जा रहा है। इसका कार्ड का मतलब है कि ये पर्सन वेल ऑफ है। देखिए आप, इसके हाथ में एक फ्लावर है, फ्लावर हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही एक पोटली है, ये पोटली में कुछ ऐसा इसके पास होगा कि अगर ये जर्नी पे जा रहा है और अपनी मस्ती में ही है तो इसको कुछ इस टाइम समझ नहीं आ रहा। जब हम कभी जर्नी में जाते हैं, ट्रैवल करने की सोचते हैं, तो उस टाइम हम बिल्कुल रिलैक्स मोड में होते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता। बस हमें लगता है कि हम इंजॉय करें और हमें कुछ नहीं दिखता आसपास। तो ये कार्ड आपको बताने की कोशिश करता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके लिए फेथफुल हैं, वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। आप रुक के उनकी बात सुनिए, समझिए और फिर आगे स्टेप उठाइए। तो अगर ये कार्ड आपका कैरियर के लिए आता है तो ये कार्ड आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपके लिए न्यू बिगनिंग्स तो हैं, पर आप जो भी स्टेप उठा रहे हैं उसे सोच समझ के उठाइए। क्योंकि जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स सर्कल में, आपके पेरेंट्स, आपके कुलीग्स, आपको जो चीज़ बताना चाह रहे हैं उसे आराम से सुनिए
और फिर आप आगे कदम बढ़ाइए। अगर ये आपका कार्ड लव लाइफ में आता है तो इस ये रिप्रेजेंट करता है कि आप स्टेप उठाने के लिए तो लव लाइफ में तैयार हैं, पर आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं हैं। ये ना हो कि आप लव लाइफ में एंटर तो हो जाएं, उसके बाद आप रिग्रेट फील करें कि ये स्टेप मुझे इस टाइम नहीं उठाना चाहिए था। तो आप अपने नियर डियर से पूछिए कि ये स्टेप आपके लिए क्या ठीक होगा। वो इस टाइम आपके लिए बहुत फेथफुल होंगे। तो आप रुकिए, सोचिए, समझिए, और फिर कोई भी आपने नई शुरुआत करनी है वो सोच समझ कर ही करिए। अगर ये कार्ड उल्टा आता है तो भी ये कार्ड यही कहता है कि नई शुरुआत तो होगी, पर आपको सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। ये ना हो कि आप नीचे खाई में गिर जाएं। तो जो भी आपके नियर डियर हैं उनसे सलाह लीजिए, और फिर जो भी आप करना चाहते हैं वो काम को करिए। अगर ये एजुकेशन में कार्ड आता है तो यही कहते हैं कि आपको हर चीज़ की समझ है, पर ये ना हो कि आप एग्ज़ाम फटाफट दे आएं ये सोचकर, ओवर कॉन्फिडेंट होकर कि मुझे तो सब कुछ आता है, और ओवर कॉन्फिडेंस में ही आप सब कुछ गलत कराएं। तो इसलिए जो भी काम करिए उसको सोच समझ के, रुक कर, ठहर कर करिए, और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। ये कार्ड जब भी आपका आता है, ये कार्ड वैसे तो पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि आप देखिए कि इसके कलर्स, और इसको देख के आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है इस कार्ड को, तो ये पॉजिटिव कार्ड है। पर इसका नेगेटिव साइड यही है कि आपने जो भी कदम उठाना है लाइफ में उसके लिए आप एक बार सोचिए, अपने नियर डियर से सलाह लीजिए, फिर आप वो काम करेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। ऐसे ही आगे मैं आपको बाकी कार्ड्स के बारे में भी बताऊंगी। ये मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स का सबसे पहला कार्ड है। बाकी कार्ड्स के बारे में भी मैं एपिसोड्स बनाती जाऊंगी। अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आता है तो आप लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। तो चलिए नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ते हैं, और मैं कल आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगी। राधे कृष्ण।